नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुज कुमार सिंह शिक्षा धाम से, और आज आपके सामने आने का एक पर्पस, एक छोटा सा मेरे मन में काफी टाइम से एक कह लो कि एक तरीके से परेशान एक बेचैनी सी चल रही थी। कोविड में बच्चों की स्टडी की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुका है। डिस्ट्रॉयड इन द सेंस, अभी आपने देखा कि मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, मतलब है नहीं मेडिकल, ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल पैसे लेके चक्कर काट रहे हैं। अगला जो है ना कोरोना, वो मुझे जहां तक लगता है वो स्टडी पे आएगी, वो अब नहीं आएगी, 5 साल बाद। बच्चे डिग्री ले लेके घूमेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। तो आज का मुद्दा यही है, ड्यूक के पेपर, ड्यूक भी क्या कर सकती है, सिचुएशन ऐसे है, हमें क्या करना चाहिए। मैं छोटी सी एक गाइडेंस है, बाकी मानना या ना मानना प्यारे बच्चों आपके ऊपर है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा आपसे, बस मैं कुछ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि मैं तो मार्केट में भी हूं, कौन क्या रिक्वायरमेंट है ये भी देखता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक छोटी सी, एक तरीके से कह लो सूचना, कह लो न्यूज, कह लो एक इंफॉर्मेशन, कुछ भी कह सकते हो। देखो, और एक आप सभी बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, आप सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है प्यारे बच्चों कि अभी एक नोटिफिकेशन आई है डीयू की, वो आप चेक कर लेना, पीडीएफ वगैरह में जहां भी दे रखा है वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कहां पे मिलेगा। आपका एग्जाम होना है जो सेमेस्टर 2 और 4 के, उन्होंने बोला है ए बी ई। अब सबसे पहले बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर ये ए बी ई क्या है। अभी तक डीयू ने नोटिफिकेशन दिया है कि हम रेगुलर के और एनसी वेब यानी नॉन कॉलेज के बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे एबी मोड पे। अभी एसओएल के लिए कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आई, और ज्यादातर चांसेस मान के चलो एसओएल वालों का भी यही क्लेरिफिकेशन आ सकता है, ये मेरा मानना है। अब एबीबी क्या है, असेसमेंट बेस एग्जामिनेशन। पिछले साल भी जो 4 सेमेस्टर, यानी पिछले साल तो सेकेंड ईयर था, उनका एबीई हुआ था, असेसमेंट बेस एग्जामिनेशन। असेसमेंट बेस एग्जामिनेशन में होता क्या है, नॉर्मली काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, मैं सपोज करो आपके पास, बात करता हूं कॉर्पोरेट अकाउंट का सीए, या फिर मैं बात करूं कॉस्ट अकाउंट, या मैं बात करूं स्टेट्स का, बड़े सारे सब्जेक्ट हैं। जिस तरीके से आपने ओपन बुक एग्जाम दिया था, मेल वगैरह आपने किया था, सेम वही प्रोसेस है। थोड़ा बहुत आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। अच्छा सर, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा हमें, बिल्कुल। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सपोज करो आपकी डेट शीट आ गई है, अभी आई नहीं है, मैं सपोज करो आपकी डेट शीट आ गई है और आपका पेपर 1 जुलाई को है। अगर 1 जुलाई का डेट शीट है तो 1 जुलाई को आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, और बारी बारी करके सारे सब्जेक्ट के एक ही बार मिल जाते हैं, लगभग क्वेश्चन पेपर मिल गए, और आपको 10 से 20 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर को आप करिए, 10 से 20 दिन का टाइम, डेफिनेटली मैं भी आपको कराऊंगा ये। लास्ट ईयर में भी मेरे पास जो बच्चे थे, आप यूट्यूब पे आप अगर ढूंढते हो तो डीयू असाइनमेंट के नाम से, और मेरा नाम या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना तो सीधा आ जाएगा वो। लास्ट ईयर भी सारे मैंने ये सोल्यूशन कराए थे। जो भी बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए मैंने हेल्प किया, और जो यूट्यूब पे थे वो भी। तो सबसे मेन मुद्दे की बात है, तो देखो आपको कितनी ज्यादा राहत मिली है, बहुत मजे की बात है कि जो बच्चे हैं उनका असेसमेंट बेस एग्जाम होगा, तो आप सब तो पेपर में हो जाओगे पास,
आप सब एग्जाम कर भी लोगे, आप सबको मैं पास करा भी दूंगा, मैं पेपर भी सॉल्व कर दूंगा, तो चिंता ही खत्म। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। क्या डू यू रियली थिंक आपके 3 साल कोविड में निकल जाएंगे? फाइनल ईयर में बात करूं तो कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाला नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑप्शन में आप लेना चाहते हैं लें या ना लें, और भी कोई सब्जेक्ट है नहीं। ऐसा है बहुत अच्छे सब्जेक्ट लेकिन लेते नहीं है बच्चे। तो डू यू रियली थिंक कि आप जब जॉब लेने जाओगे या आगे आप एम कॉम, एम बी ए, सी ए, सी एस, वट एवर जो आपके गोल डिसाइडेड है वो करोगे, अभी आप असेसमेंट बेस एग्जाम पे पास तो हो जाओगे, लेकिन वहां पे पास हो जाओगे क्या? ये चीज एक बार अपने आप से पूछना। आपके घर में मिरर है ना, मिरर पे खड़े होके एक बार आप ध्यान से सोचना और पूछना जरूर अपने आप से, क्या ये असेसमेंट बेस्ड एग्जाम हो रहा है और इतने बेटर बेटर, इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जिसको हम पास तो कर गए लेकिन हमें कितना आता है? और जब आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका मेन मुद्दा जो पढ़ाई का था ना वो खत्म होने वाला है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी पढ़ाई, मैक्सिमम बच्चे क्विट कर देते हैं, उनका एक ही मुद्दा होता है जॉब। तो जिसके लिए आपने फर्स्ट क्लास, यानी आपने 12 साल 12th के और 3 साल 15 साल तक अपने इन कंधों पे किताबों का बोझ ढोया है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेट के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए आपने 15 साल तक, यही तो था कि ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, 15 साल तक बोझ ढोया है, और उस 15 साल का परिणाम ये निकले कि आपको नौकरी ना मिले, तो आपको क्या फील होगा? आप आने वाले जनरेशन को कितना नेगेटिविटी में डालोगे? अपने भाई बहन, अपने आस पड़ोस में कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे? तो मेरी आप सभी बच्चों को एक सुझाव है, एग्जाम ड्यू के पास क्या मजबूरी है, नहीं है, हमें उस पर नहीं पढ़ना, एबी ले रहे हैं। जो बच्चे एबी एग्जाम दे रहे हैं, सॉल्यूशन मैंने बोला कि मैं एग्जाम का जो एबी का है वो 10 डे पहले आता है, उसका सॉल्यूशन वगैरह सारी चीज दे दूंगा, टेंशन खत्म, पास हो आप। लेकिन आप एक बार सोचिएगा, क्या इस तरीके से पास होने से क्या आपको कुछ मिलेगा? क्या कुछ हासिल होगा? क्या आगे आप नौकरी कर पाओगे? क्या 12 साल की मेहनत जो आपने करी है 12th में, मैं जानता हूं बच्चों को, बच्चों आपने 12th के अंदर दिन रात एक कर दिए थे। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे वो, चाहे जो बच्चा कहीं भी पढ़ता था, इनफैक्ट मेरे पास बच्चे 6 बजे उठ के टेस्ट देने भी आए हैं, उस टाइम आपके अंदर एक जुनून, एक जोश था कि भाई पास होना है और अच्छे नंबर चाहिए, पास होना है अच्छे नंबर, और उस टाइम आप इतने सारे क्वेश्चन करते थे। और इस कोविड के एक तरीके से सर्कल है, साइक्लोन कह लो, इसके अंदर आप सब एक तरीके से फंस गए हो। एक साल बाद जो सेकंड सेमेस्टर में, 2 साल बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे, 4th सेमेस्टर में जो अगले साल ग्रेजुएट हो जाएंगे, और जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपको सैलरी जो मिलेगी ना वो मिलेगी कितनी, मैं बता देता हूं, 2 साल बाद आपको सैलरी मिलेगी 15 से लेके मैक्सिमम, अगर कुछ आता है तो 20,000 रुपए तक, 15 से 20,000। आप तब रियलाइज करोगे, यार 15 से 20,000 सैलरी है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो अपने आप को ग्रोथ देखना चाहता है, वो रियलाइज करेंगे 15 से 20 है, चलो फर्दर स्टडी करके अपने एजुकेशन को एनहांस करके हम प्रमोशन ले लें। तब बच्चे बहुत बुरा फंस जाओगे आप, बहुत बुरी हाल होगी। 12 साल की मेहनत आपने मट्टी में डाल दी, पानी में। अगर आप, मैं 12 साल की मैं बात करूं, आपको डेटा अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो 12 साल पूरे आपने दिन रात लग के पढ़ाई की, और 365 यानी 4380 दिन आप धूप में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, हर टाइम मेहनत करी है आपने।
क्या उस 12 साल की मेहनत को आप खराब करना चाहते हो? और मैं अगर बात करूं तो 2,62,800 घंटे आपने इंतजार किया है, मेहनत करी है, क्या आप उसे ऐसे ही जाने दोगे? क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं जाने दे सकते। बहुत सारी पेरेंट्स को, गर्ल्स जो है अपनी बेटियों से बहुत उम्मीद है कि बच्चा कुछ करेगा ग्रेजुएट होने के बाद, बेटों से बहुत उम्मीद है बच्चा कुछ करेगा, लेकिन कोविड के इस चक्कर में हम कहीं ना कहीं फंस गए और मन हमारा भटक गया है। मैं ज्यादा लंबे लेक्चर पे नहीं लेना चाहता, खींचना चाहता, तो मैं आप सभी बच्चों को यही कहूंगा कि आप सब एग्जाम का सॉल्यूशन मुझसे लीजिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। मैंने कहा आपसे कि आपने कितने दिन, और घंटे में बात करूं तो 2,62,800 घंटे, सिर्फ 12 साल की मेहनत बता रहा हूं, इतने घंटे आपने मेहनत करके छोड़ दिया है ताकि आपका आने वाला फ्यूचर अच्छे आराम से जाए। अगर आपको ऐसा ही फ्यूचर चाहिए था तो क्यों पढ़ाई करी 12वीं तक, 10वीं के बाद छोड़ देना था आपने? आगे आपकी नॉलेज क्या है? जमा घटा गुना भाग, थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करनी, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना 10वीं के बाद आ जाता। आप सभी ने एक सपना देखा था, हमारा जीवन बहुत ही सुखदय हो, उसको आपके हाथ में पूरा करना बिगाड़ना। मैं, कुछ बच्चे अभी भी स्टिल मेरे से क्लास ले रहे हैं, एबी एग्जाम है, मेरे से क्लास ले रहे हैं। मैं उन बच्चों को बड़ा ही अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो बच्चे क्लास ले रहे हैं। उनका ये मानना है, सर हम ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा, हम तो क्लास लेंगे। बाकी मैं आप सभी बच्चों से भी बोलूंगा, आप खुद सोचिए क्लास लेना है या क्या करना है। जिन बच्चों को क्लास लेना है, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं और मैं क्लास दे रहा हूं उन बच्चों को, लाइव क्लास दे रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं, सारी क्लासेस हैं, कॉरपोरेट अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों की दे रहा हूं। अब जिन बच्चों को क्लास लेना है, मोस्ट वेलकम, नहीं लेना वो भी मोस्ट वेलकम, उनको भी मेरी कोई शिकायत नहीं है। लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। अब आप सभी बच्चे कहेंगे, सर अभी फाइनेंस की दिक्कत है, प्रॉब्लम है। मैं आप सभी को बच्चे को बोलता हूं कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा मैं आपसे। आपकी मजबूरी जो है वो मुझे एविडेंस दीजिए उसकी। कोई कहता है कि मेरे पेरेंट्स कोविड में थे, पॉजिटिव हो गए, आप कोविड सर्टिफिकेट दे दीजिए मुझे, मैं फ्री में पूरा कोर्स आपको करवाऊंगा। कोई कहता है मैं बीमार था, मेडिकल दीजिए, पेरेंट्स का जॉब छूट गया, उनकी पुरानी जॉब की मुझे डिटेल दीजिए, कंपनी की सारी चीजें, जो जॉब छूटी है उसकी सारी चीजें दीजिए, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे, ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि कुछ बच्चे नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं कि चलो यार फ्री में, कुछ भी बहाना लगा दो, जो बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए करूंगा, बाकी फ्यूचर आपका है, पैसे आप कमाओगे, ऐश या मौज जिसे कहते हैं, अपनी जो हैप्पीएस्ट लाइफ है वो आप अपनी बनाओगे, मुझे 1 रुपये आप नहीं दोगे। आज पढ़ने के बाद तो कल शायद आप भूल भी जाओगे सर, बस कभी कभी चर्चाओं में और बातों में याद रहेगी कि हम सेकेंड ईयर में पढ़ा करते थे, कोविड में सारी क्लासेस ऑनलाइन हुआ करती थी। कुछ मेरे से गलती हुई हो, कुछ बुराई हो, अगर मैंने क्लास में डिले कर दिया हो तो ये चर्चा होगी कि उन सर ने तो क्लास जो है डिले कर दिया था। कुछ बच्चे ये चर्चा करेंगे कि सर ने बहुत ही टाइम पे अच्छे से क्लास लिया था। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ, अपने भविष्य से मत खेलें, चॉइस आपका है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जो आउटर बच्चे हैं, मैंने कहा कि शिक्षा धाम, शिक्षा धाम आप ऐप डाउनलोड करिए और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरा फोन नंबर 9899600701, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं समस्या का समाधान करूंगा। आपसे बस इतना ही कहना था, आपका असेसमेंट बेस होगा, 10 दिन का टाइम मिलेगा, पास तो वैसे हो गए हैं, फ्यूचर आपके हाथ में है। तो थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, घर से बाहर ना निकले,
और पढ़ना है, मैं तो कहूंगा पढ़िए, पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपका चॉइस है। ठीक है प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। बस मुझे इतना सा एक मैसेज देना था, इसलिए मैं आपके सामने आया।